शुरुआत होती है और हमें सेथ नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सोकर उठा था। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था और ना ही कोई उसका दोस्त था। सेथ एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था और वही जानवर उसके दोस्त भी थे और उन्हीं से वो बात किया करता था। सेथ की जिंदगी में यही सब उसका डेली रूटीन था। इसी तरह वो एक दिन अपना काम खत्म करके घर जा रहा था तो उसे बस में एक लड़की दिखाई देती है। सेथ उसके पास जाता है और उसे हाय हेलो कहता है, लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती। सेथ उसका नाम होली कहकर पुकारता है और बताता है कि हम दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन होली को सेथ बिल्कुल भी याद नहीं था। होली के पास एक डायरी होती है और सेथ के पूछने पर वो उसे बताती है कि मैं रोज इस पर अपना जर्नल लिखती हूँ। इसी दौरान सेथ के दिल में होली के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं और वो उसे कॉफी पर ले जाने के लिए पूछता है, लेकिन होली उसे बताती है कि मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। कुछ ही देर में होली का स्टॉप आ जाता है और वो सेथ की पूरी बात सुने बगैर अपने स्टॉप पर उतर जाती है। सेथ निराश हो जाता है और अपने घर पहुंचता है। इसके बाद वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर होली की प्रोफाइल ढूंढता है और होली के बारे में उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालता है। अगली सुबह रोज की तरह वो अपने ऑफिस जाता है जहां वो अपने कोवर्कर सिक्योरिटी गार्ड नेट से एक बात पूछता है कि वो कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है, जिस पर नेट उसे बताता है कि वो कॉन्फिडेंट रहे क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के पसंद आते हैं। तभी सेथ को डॉक्टर से ऑर्डर मिलते हैं कि वो लेक्सी नाम के एक जर्मन शेफर्ड डॉग को लेकर आए क्योंकि वो काफी टाइम से बीमार थी और उस डॉग को सेथ से काफी लगाव था, इसलिए सेथ उस डॉग को डॉक्टर के पास लेकर आता है और वो डॉक्टर उसे एक जहरीले इंजेक्शन से मारने वाले होते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से बीमार थी और एनिमल कंट्रोल का खर्चा भी बढ़ा रही थी। डॉक्टर सेथ को कहता है कि अगर तुम इसे ले जाना चाहती हो तो तुम इसको लेकर जा सकते हो, लेकिन सेथ इसकी देखभाल कैसे कर सकता था क्योंकि वो अकेला रहता था। इसीलिए डॉक्टर उस जर्मन शेफर्ड डॉग लेक्सी को इंजेक्शन लगाकर मार देते हैं, जिसके बाद सेथ उस डॉग की बॉडी को जला देता है। इसी दौरान वो जानवरों के केस के पीछे वाले कमरे को नोटिस करता है जिसके अंदर एक बेसमेंट था। उसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अंदर जाता है और दोबारा से होली के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना लगता है। इसके बाद उसे उस रेस्टोरेंट के बारे में भी पता चल जाता है जहाँ होली काम किया करती थी। प्रॉपर स्टॉकिंग के बाद सेथ को होली की पसंद और नापसंद के बारे में सब पता चल जाता है और उसे एक नोटबुक पर लिख लेता है। अगले दिन सेथ होली के रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी होली उसे पहचानने से इनकार कर देती है और इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर सेथ उसे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। इस पर होली नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात में जब होली अपने घर जा रही होती है तो उसे फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और पीछा करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि सेथ ही था। अब होली घर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को सारी बातें बताती है। इसी दौरान होली के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो शराब के नशे में होली को अजीबोगरीब बातें बोल रहा था। होली गुस्से में आकर उसकी कॉल कट कर देती है और दोबारा से अपनी फ्रेंड से बातें करने लगती है। अगले दिन होली देखती है कि उसके रेस्टोरेंट में किसी ने उसे रोज भेजे हैं। होली को लगता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड एरिक ने उसे माफी मांगने के लिए भेजे होंगे। वो शाम को इस बारे में उससे पूछती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। इस पर होली समझ जाती है कि ये काम किसी और का हो सकता है। यहाँ हम सेथ को भी देखते हैं जो होली का पीछा कर रहा था। वो एक बार फिर से होली को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। वो बताता है कि मैंने ही वो फूल तुम्हारे रेस्टोरेंट पर भिजवाए थे। होली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड सेथ उसको बहुत बुरी तरह से मारता है और सेथ जख्मी हो जाता है। लेकिन उसी दौरान उसे होली की डायरी मिल जाती है जिस पर रोज वो अपना जर्नल लिखा करती थी। वो घर आता है और उस डायरी को पढ़ने लगता है। इसके बाद उसे होली के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। इतना ही नहीं, उसे होली के बारे में एक सीक्रेट भी पता चलता है जो हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा। खैर, अगली सुबह सेथ अपने काम पर जाता है और उस बेसमेंट पे जाता है और इंटरनेट से इस बेसमेंट के लिए एक केज यानी पिंजरा तैयार करता है और यहाँ से जानवरों को पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन भी चुरा लेता है और इस इंजेक्शन को टेस्ट करने के लिए वो खुद की बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। अगली रात को सेथ दोबारा से होली का पीछा करता है जो कि अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर सेथ अंदर घुस जाता है और उसको इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद उसे किडनैप कर लेता है और एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में लाकर उसी पिंजरे में बंद करके बेसमेंट की ओर जाने लगता है। नेट की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है, लेकिन सेथ उसको बातों में लगा देता है और होली को उस बेसमेंट में ले जाता है। होली को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक पिंजरे में कैद है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नाखून टूट कर गिर जाता है। होली जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन बेसमेंट में होने की वजह से और
जानवरों के शोर की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। वो सारी रात अंधेरे में वहीं रहती है। अगले दिन दोबारा सेथ अपने काम पर आता है और हॉली को टॉयलेट के लिए एक मेटल का पॉट और कुछ खाना देता है। इसके बाद सेथ हॉली को अपना नाम याद दिलाता है क्योंकि उसने कभी उसका नाम जानने की कोशिश ही नहीं की। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और 2-3 दिन तक हॉली के पास नहीं आता। जब वो हॉली के पास आता है तो देखता है कि उसकी हालत खराब हो चुकी है। वो उसे पानी पिलाता है और उसे खाना देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हॉली उसे रोक लेती है पर वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। तभी उसे अपनी फ्रेंड क्लेयर दिखाई देती है जो असल में वहाँ पर थी ही नहीं, यानी कि वो बस हॉली के माइंड का इल्यूजन था। अब यहाँ हॉली सेथ के दिए हुए टॉयलेट को यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे वो पॉट यूज करना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ एक चूहा आ जाता है जिसे वो कुचल कर मार डालती है। अगले दिन सेथ वहाँ आता है तो हॉली पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। इस पर सेथ कहता है, नहीं मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन वक्त आने पर मार भी सकता हूँ। सेथ उसे बताता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था और मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए लाया हूँ। और ये कहते हुए सेथ वहाँ से चला जाता है। सेथ बेसमेंट रूम से निकल ही रहा होता है तो नेट उसको देख लेता है। नेट सेथ के अंदर जाने की बजाय पूछता है तो सेथ बहाना बनाकर चला जाता है। अगली सुबह जब सेथ दोबारा हॉली के पास आता है तो उसे वो उसकी डायरी दिखाता है जिसमें उसकी सारी बातें लिखी हुई थी। सेथ उससे उसकी दोस्त क्लेयर के बारे में पूछता है तो हॉली कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। सेथ कहता है कि मैंने तुम्हें उसके साथ बातें करते हुए सुन लिया है। हॉली उस पिंजरे में अकेली थी, लेकिन सेथ ये सुनकर डर जाता है कि उस पिंजरे में दो लोगों की आवाजें कैसे आ रही थी। अब सेथ उससे पूछता है कि क्लेयर क्या वाकई यहाँ पर है। इस पर हॉली सेथ से कहती है नहीं, लेकिन फिर हॉली सेथ के पीछे क्लेयर को देखती है। अब सेथ हॉली से कहता है कि तुम दरअसल बीमार हो और क्लेयर कोई लड़की नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है जो तुम इमेजिन कर रही हो। अब इसके बाद सेथ हॉली को वो किस्सा बताता है जो हॉली की डायरी में लिखा हुआ था। अब कुछ टाइम पहले हॉली और एरिक की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन फिर हॉली को एरिक के ईमेल से पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और एरिक का चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से हॉली जानबूझकर कार की स्पीड तेज कर लेती है और एक्सीडेंट करवा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी जख्मी हो जाती हैं। लेकिन हॉली जानबूझकर क्लेयर की आंख में ग्लास का टुकड़ा घुसा देती है, जिसकी वजह से क्लेयर की मौत हो जाती है। हॉली सेथ को बताती है कि मैं एक राइटर हूँ और जो भी डायरी में लिखा हुआ है वो सब फिक्शनल स्टोरीज हैं। सेथ उसे कहता है कि मुझे भी यही लगा था कि ये सब फिक्शनल स्टोरीज हैं। इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझे क्लेयर की मौत के बारे में सब कुछ पता चल गया कि उसकी मौत कैसे हुई थी। अब इससे पहले सेथ ने कई दिन तक हॉली का पीछा किया था, इससे ये भी पता चला था कि उसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। इस बात का जिक्र उसने अपनी डायरी में ही किया था। उसने काफी लोगों को जिंदा जलाया और काफी लोगों को गला दबा कर भी मारा। सेथ हॉली को बताता है कि वो उसे इसलिए यहाँ लेकर आया है ताकि वो और लोगों को ना मार सके और पुलिस और दुनिया वालों से बची रहे, और ये कहकर सेथ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सेथ हॉली के पास आता है तो उसे उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आते हैं। वो अपनी बॉडी को साफ कर रही थी। सेथ उससे उन मर्डर्स के बारे में पूछता है, लेकिन हॉली उसका ध्यान भटकाती है और अपना सर जोर जोर से पिंजरे में मारती है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाती है। अब सेथ ने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाने के लिए दिया था, इसीलिए हॉली खाने के लिए कुछ मांगती है, लेकिन सेथ इनकार कर देता है। इसके बाद हॉली उससे मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। वो कहती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इसके बाद सेथ हॉली की बातों में आकर उसके लिए कुछ स्नैक्स लेने चला जाता है, और यहाँ नेट सेथ को बेसमेंट वाले दरवाजे से आते हुए देख लेता है। उसके जाने के बाद वो बेसमेंट में जाता है और देखता है कि बेसमेंट में एक लड़की पिंजरे में कैद है। हॉली नेट को देख लेती है और उसे मदद मांगने लगती है। वो उसे पिंजरे का ताला तोड़ने को कहती है, लेकिन नेट से वो ताला नहीं टूटता, और इसी दौरान वहाँ सेथ आ जाता है और फिर हॉली सेथ को इशारा करती है ताकि वो चुपके से नेट को मार सके। इसीलिए सेथ नेट को मारकर गिरा देता है, जिसके बाद वो हॉली के कहने पर एक ब्रिक उठाता है और नेट के सर को फोड़ कर उसे मार डालता है। अब हॉली सेथ को सभी तरीके बताती है कि वो लाश को कैसे ठिकाने लगाएगा और पुलिस से बचेगा। जैसे जैसे हॉली उससे कहती है वैसे वैसे सेथ करने लगता है और नेट की बॉडी के टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता है। अब नेट के गायब होने पर पुलिस उसे ढूंढने लगती है और वो सेथ से भी इन्वेस्टिगेशन करती है। डिटेक्टिव उससे कहता है कि हमारी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। सेथ ये बात सुनकर बहुत डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और जब वो हॉली के पास आता है तो हॉली फिर प्यार भरी बातें करने लगती है। हॉली सेथ से कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, अगर करते तो यहाँ पिंजरे में कैद नहीं रखते। अब सेथ कहता है कि मैं तुमसे बहुत
प्यार करता हूँ। इसके बाद होली सबूत के तौर पर उसकी एक उंगली मांगती है। इसको सुनकर सेठ हैरान हो जाता है। अब होली को दिखाने के लिए कि वो उसे कितना प्यार करता है, वो अपनी उंगली काट देता है। इसके बाद सेठ दर्द के मारे तड़पने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर होली उसका चाकू ले लेती है और अपना गला काटने की धमकी देती है अगर उसने पिंजरा नहीं खोला तो। उसकी बातों में आकर सेठ पिंजरे का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद होली सेठ को किस करती है। इसके तुरंत बाद ही होली उसी के चाकू से उसका गला काट देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम होली को उसके बॉयफ्रेंड एरिक के साथ देखती हैं और उसकी फिक्शनल स्टोरी जो उस नोटबुक में लिखी थी वो भी पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन एरिक अभी भी उसे चीट कर रहा था। ये देखकर होली एरिक को मारने का सोचती है, पर वो उसे नहीं मारती। अब इसके बाद होली अपने अपार्टमेंट से निकलकर एक वेयर हाउस में जाती है। वहाँ पर एक पिंजरा था और पिंजरे में एक आदमी कैद था जो और कोई नहीं बल्कि सेठ था, जो अब होली की कैद में था। और इसके हालात देखकर हम समझ पाते हैं कि सेठ ने होली से पंगा और प्यार लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। खैर अब हम क्या ही कर सकते हैं, सेठ इस पिंजरे में होता है और बहुत ही बदतर हालत में होता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।